हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक नया क्वेश्चन टाइप जो है वो मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए रिलेटेड टू द क्लॉक्स टॉपिक। हालांकि ये बड़ा ही आसान है, निहायत ही आसान है, लेकिन सिंपलेस्ट क्वेश्चन टाइप के तौर पे ये मैं आपके सामने यहाँ पे दो क्वेश्चंस जो है वो लेके आ गया हूँ कि यहाँ पे जो अपने पास प्री रिक्विजिट नोन फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे अपन अपने क्वेश्चंस का जो आंसर है उस तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन क्या है उसे सॉल्व करते हैं। थ्रू वॉट एंगल, मतलब एंगल फाइंड करना है, डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कई सारे वेरिएशन पॉसिबल है। 5 मिनट दिए होंगे, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे कुछ भी आपको जो है गिवन होगा। और अपने को क्या फाइंड करना होगा कि कितना एंगल वो टर्न कर रहा है, कौन, मिनट हैंड की यहाँ पे बात की जा रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनट हैंड की बात की जा रही है। तो अपने पास मिनट हैंड से रिलेटेड एक प्री रिक्विजिट फैक्ट है जिसमें कि बताया गया है कि वो 1 मिनट में कितना डिग्री टर्न कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है। तो वो 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब 6 डिग्री टर्न हो रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। किसकी बात चल रही है, मिनट हैंड की बात चल रही है, बराबर। तो उस हिसाब से अगर मुझे फाइंड करना है 5 मिनट में वो कितना एंगल बना रहा है, तो वो एक्स होगा, एक्स डिग्री होगा। सिंपल, ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है। और फिर जो वो एक्स होगा वो क्या होगा, वॉट इज गोइंग टू बी द एक्स, इट्स गोइंग टू बी 6 × 5, दैट इज 30, बराबर है 30 डिग्री। ये आपका आंसर है, ओके, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे कई सारे जो पॉसिबल वेरिएशन है वो यहाँ पे मिनट्स में जो है पॉसिबल है। कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रैक्शंस में भी चीजें मेंशन्ड हो सकती हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन एक्यूरेट क्लॉक, अच्छा ठीक है, एक्यूरेट क्लॉक इन अ पीरियड ऑफ 2 hours 20 minutes, मतलब एक ड्यूरेशन दिया हुआ है अपने को 2 घंटे 20 मिनट का, द मिनट हैंड विल मूव ओवर। अच्छा, इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड ऑफ टाइम में जो कि 2 घंटे 20 मिनट है, उसमें आपका जो मिनट हैंड है इट विल मूव ओवर, ऑप्शन ए 140 डिग्री, ऑप्शन बी 320 डिग्री, ऑप्शन सी 520 डिग्री एंड ऑप्शन डी 840 डिग्री। ये अपने को जो है अब यहाँ पे फाइंड करना है। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक सिंपल सा जो तरीका है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक सिंपल तरीका क्या है कि ये जो आपका क्लॉक है, ओके, यहाँ पे पकड़ लो 12, ये अपना बस इंटरेस्ट का भी नंबर है 12, बाकी तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जब आप वापस पहुँचते हो तो कितना होता है, इट इज़ 1 आवर, दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, बराबर। आप वापस से घूमते हो, दैट इज़ कितना हो जाता है, इंटू 2, दैट इज़ 120 मिनट्स, 120 मिनट्स, सही बात है कि नहीं, ठीक है, 120 मिनट्स। और उसके बाद जो है आपको और 20 मिनट घूमना है, बराबर, दैट इज़ द ड्यूरेशन, 2 hours 20 minutes। तो अभी इस 20 मिनट में और क्या करना है, और 20 मिनट ऐड कर देने हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 120 + 20, दैट इज़ गोइंग टू बी 140 मिनट्स, ओके। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वो बताया, हालांकि आप बड़े आसानी से भी कर सकते हो। 1 घंटे में अगर 60 मिनट्स है तो भैया 2 घंटे में कितने हैं, 120 मिनट, और उसमें फिर वो बचे हुए जो 20 मिनट है वो भी ऐड कर दो, देयरफॉर टोटल आपका कितने मिनट्स हो गए, 140 मिनट्स, ठीक है। अब अपने को एक फैक्ट पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री जो है उतना एंगल है, और यहाँ पे अपने को 140 मिनट मेंशन किए हुए हैं, तो वो x डिग्री होगा, और फिर x डिग्री जो होगा वो कितना होगा, सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई इट, ओके। तो वो 0 आ जाएगा, 6 × 4 = 24, 6 × 1 = 6, + 2, 840 डिग्री जो है आपका आंसर है, जो कि है d। समझ में आ गया? तो मतलब ये जो एक प्री रिक्विजिट फैक्ट था, इसी के बेसिस पे आपने ये जो क्वेश्चन है सॉल्व किए। बड़े आसान क्वेश्चन थे, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन ये फैक्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ओके। अगर ये पता नहीं होगा तो ये फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।